नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AS अकेडमी में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय भर्ती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो वैकेंसी है दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति है ना, कहाँ शिलोंग में वैकेंसी निकली हुई है। और इस वैकेंसी को मैं एक और क्लियर बात कर दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है 28/10/2020 को नोटिफिकेशन आया था। और इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे, आपकी सैलरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपकी आयु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी वो भी बता दूँ क्या है, इसको आप देख लीजिए। ये क्या लिखा है, एंगेजमेंट्स ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस आर्ट टीचर म्यूजिक टीचर PET मेल एंड फीमेल लाइब्रेरियन एंड स्टाफ नर्स। ये पूरी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, इसमें आप किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमारे लिए परमानेंट जॉब दें। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, इसके फॉर्म की जो बात करेंगे, इस 7/11/2020 तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम सैलरी की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले तो जरा वैकेंसी की बात कर लें। जो PGT टीचर हैं, PGT टीचर के लिए आपको पता है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, आपके पास BEd होना ज़रूरी है, और आपके साथ एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आपकी जो PGT में सैलरी रहेगी 32,500 सैलरी रहेगी। ठीक है, इसके बाद आर्ट में म्यूजिक टीचर PET और लाइब्रेरियन, यहाँ तक जो आपकी सैलरी रहेगी लाइब्रेरियन तक दोस्तों, वो रहेगी आपकी 31,250। स्टाफ नर्स की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 20,000। ठीक है, स्टाफ नर्स की सैलरी 20,000 होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब दोस्तों, आप स्टाफ नर्स में देख रहे हैं 12 पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन में 28 पोस्ट हैं, PET में 26 पोस्ट हैं, PET मेल में 27 पोस्ट हैं, म्यूजिक टीचर के लिए 26 पोस्ट हैं, आर्ट टीचर के लिए 26 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद आपका PGT में 4 पोस्ट हैं। ये बात क्लियर हो गई। आगे थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में देखो, PET की बात करें, पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए जो बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, आपको 50% मार्क्स के साथ आपके पास BE हो, BTEC हो, कंप्यूटर साइंस से हो, या फिर किससे होना चाहिए आपके पास, BSc हो, MSc हो, कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है, ये यदि आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। BEd आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, दूसरी बात, सैम हम यदि आर्ट टीचर की बात करें तो आर्ट टीचर में आपको डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास इसमें भी BEd होना चाहिए। ठीक है, आगे फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो आपका बैचलर ऑफ डिग्री फिजिकल एजुकेशन में एक डिग्री होना चाहिए, और आपके पास DP Ed हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट म्यूजिक टीचर के लिए आपको 5 ईयर स्टडी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो डिग्री है 5 साल के लिए आपके पास वो होना चाहिए, है ना। 4 साल की भी आपकी डिग्री होती वो भी हो सकती है, आपके कोई 3 ईयर्स डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ठीक है, BEd होना ज़रूरी है। लाइब्रेरियन के लिए आपको 1 साल का जो लाइब्रेरियन का कोर्स होता है वो कोर्स आपके पास होना चाहिए, उसके माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो 31/10, हाँ, एज लिमिट जो है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, 62 वर्ष से आपकी ज़्यादा आयु नहीं होना चाहिए। यदि 62 वर्ष भी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यदि कोई भी आपको समस्या है तो मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में और सारे सवालों के जवाब दे दूँ। कोई भी समस्या होती बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे दूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। गॉड ब्लेस।